ऐसे करके दिखाती हूँ ऐसे लगाया था मैंने पता नहीं तस्वीर क्यों नहीं सही बना रिजल्ट तो इसके कैसे हैं तो उसके बाद हाथ देखना ये साफ है और ये वाली जगह थोड़ी सी डार्क है स्किन इस बार असलाक साहब सब लोग मैं हूँ नताशा वकास तो बहुत ही ज्यादा मैसेज आ रहे थे की आपकी शादियों का सीजन है तो कोई अच्छी सी स्किन पॉलिश बताते हैं शादी के लिए और कोई अच्छा सा विषय बताते हैं जो सस्ता भी है और उसका रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे है तो आज की वीडियो है इस चीज के ऊपर तो टाइम है इसके वीडियो मैं बनाने लगी हूँ स्किन पॉलिशर स्किन पॉलिशर मैं यूज कर रही हूँ एफडब्ल्यू ऑर्गेनिक का बहुत ही आला स्किन पॉलिशर है ये प्योर है हर्बल प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है साइड इफेक्ट नहीं है इवन के सेंसिटिव स्किन की लड़कियों ने इसका यूज करके इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की है जी ये है जी इसका ब्लॉन्डर पाउडर ठीक है और उसके बाद ये है जी इसका डिवेल्पर डिप्ल्पर जो है वो ट्वेंटी परसेंट हर स्किन टाइप के लिए है तो ये चेक करें जी मैंने दोनों चीजें निकाल ली है पाउडर पर निकाल लिया है और डिवेलपर पर निकाल लिया है, दोनों का कलर देख लें आप कितना अच्छा है अच्छा इसकी जो इस चीज की पैकिंग है वो भी बहुत अच्छी आपको नजर आ रही होगी तो इरिटेशन नहीं होती कोई जलन नहीं होती सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं इसके बहुत ज्यादा अच्छे फीडबैक और रिव्यू सिर्फ और सिर्फ दस मिनट लगाना है दस से पंद्रह मिनट सिर्फ एप्लीकेशन करनी होती है ठीक है मैं इतने हाथ पे लगा रही हूं ताकि आपको इसका रिजल्ट नजर आ सके और इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐसे लगा रही हूँ ताकि आपको यहाँ पे भी ना आधी आधी पट्टी पे रिजल्ट नजर आ सके कि इसके कैसे के रिजल्ट जो बची हुई क्वांटिटी थी वो मैंने फेस के ऊपर लगा ली आप देख ले मैंने फेस को वॉश किया फिर इसका स्किन पॉलिशर लगा लिया इसके अंदर ना हमको कुछ भी डालना नहीं पड़ता ना स्किन शाइनर ना बूस्टर ना व्हाइटनिंग पाउडर ना पिंक पॉलिश कुछ भी डालना नहीं पड़ता और इसके फिर भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं तो बहुत केयरफुली लगाया है मैंने फॉरेड पे भी देख ले नेक पे भी देख ले और आईब्रोज भी मैं इसी से ब्लीच करती दस मिनट हो चुके हैं इसको लगाया हुआ मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ पहले मैं हाथों से रिमूव कर लेती हूँ ताकि हाथों से आपको रिजल्ट नजर आ जाए ऐसे करके दिखाती ऐसे लगाया था मैंने नजर आ जाए इसके कैसे हैं तो ये देखें तो ये हमने अच्छे से रिमूव कर दिए है इसकी ना बिल्कुल भी कोई खारिश जलन रेश कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये ब्लीच जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जो है ना आपकी स्किन के हिसाब से बनाई गई है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो देखें आपको नजर आ रहा है बहुत ज्यादा मैं नहीं कहती कि ये बहुत आपका हाथ फेयर कर देगी नहीं आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा इस हद तक जो है आपकी स्किन को जो मतलब जो टेनिंग हुई हुई है हाथ पे जो मेल कचरा है वो हटा देगी इसके अलावा जो बाल है ना वो कलर कर देगी जो ब्लीच का काम होता है ऐसी ब्लीच जो एकदम से आपका कलर साफ कर रही होती है तो आप देखिएगा पांच मिनट बाद वो उस कलर को और ज्यादा काला कर देती है पहले से क्योंकि वो को जला देती हैं। अब ब्लीच हो गई है बाल कलर हो गए, यहाँ नहीं हुई है यहाँ हो गई है यहाँ नहीं हुई है फिर उसके बाद हाथ देखना ये साफ है और ये वाली जगह थोड़ी सी डार्क है स्किन इस बार कोई केमिकल नहीं है हमेशा आप लोग खुद घर पे भी करते हो ब्लीच आप सबको भी पता है जब आप ऐसी ब्लीच यूज करते हो जो आपका कलर बहुत शदीद एकदम साफ कर देती है तो आप पांच मिनट बाद देखिएगा कि आपका रंग जो है वो पहले से ज्यादा डर लगने लग जाता है क्योंकि स्किन जल जाती है तो ये आपकी स्किन नहीं जलाती है जिस पर्पज के लिए ब्लीच को यूज किया जाता है कि टैनिंग रिमूव कर दे पिगमेंटेशन थोड़ी सी लाइट कर दे इसके अलावा बालों को कलर कर दे तो ये उसी पर्पज के लिए बनाई गई है शादी का सीजन है बेस्ट है आपकी स्किन खराब नहीं करेगी वरना शादी से पहले लोग अपने स्किन को खराब कर लेते हैं उल्टी सीधी चीजें यूज कर करके फिर बाद में परेशान होते हैं कि अब क्या करें हम शादी सर पर तो ये बेस्ट चीज है मैं इसको देखो मैंने इसको आई के नीचे भी लगाया क्योंकि मुझे आंखों में लग नहीं रही वरना ब्लीच आप आंख के नीचे लगा ही नहीं सकते अब आप देखिएगा एक, एक बाल फेस का कैसे कलर हुआ है फेस की स्किन कैसे ग्लो कर रही है और ये देखें गर्दन कितनी साफ हो गई है अब मैं उसको रिमूव करके फेस धो के, के आती हूँ उसके बाद में अप्रेन उतारती हूँ हम आप इसका फेशियल लेते हैं इसका फेशियल भी बहुत अच्छा है बहुत ही कम प्राइस है फेशियल की तो ब्लीच का रिजल्ट देखना आप कितने अच्छे रिजल्ट है ब्लीच के आपको नजर भी आ रहा होगा स्किन कैसे शाइन कर रही है कि एक बाल कलर हो गया कोई रेश नहीं बना तो इसका फेशियल यूज करने लगी हुई लगे फेशियल की पैकिंग है ये, ये फाइव इन वन फेशियल है बहुत ही अच्छा फेशियल है और बहुत ही सस्ता शादी है कोई इवेंट आपके घर में किसी भी चीज के लिए आप लेना चाह रहे हो तो ये फेशियल जरूर ट्राई करें इसके रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और पाकिस्तानी ब्रांड है मुझे सबसे सबसे अच्छी बात ऑर्गेनिक लगती है की ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट ही रखा हुआ अपने प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो इनका रोज क्लीनजिंग मिल्क है और इससे इतनी अच्छी क्लेंजिंग होती है और इसका टेक्सचर चेक कर लो बहुत ही प्यारा है रनिंग है आप उसको पानी मिलाना नहीं पड़ता रिजल्ट चेक कर लीजिएगा कितने अच्छे हैं ठीक है तो हम फॉर पे नेक पे हाथों पे हर जगह पे क्लेंजिंग करेंगे अच्छे से ताकि कहीं पे भी कोई डर्ट वगैरह तो अच्छे से निकल निकले का टाइम जो है वो तीन मिनट है उसमें हाथ की स्पीड तेज होती है प्रेशर थोड़ा सा कम होता है गर्दन कान फॉरवेड हर चीज को कवर किया करें क्लेंजिंग में और इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं स्किन टाइटिन भी होती है ग्लो भी करती है और नीट भी होती है मूव करने लगी आप इसके रिजल्ट देखना आप लोग खुद कहोगे वाओ ये देखें ये देखें अब आप लोग यकीन कर सकते हो कि इतनी कम है इतने कम प्राइस में फेशियल और इसके इतने अच्छे रिजल्ट हो ये देखें सेकंड जो स्टेप है वो एप्रिकोट स्क्रब का है मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया है ऑलरेडी आप देखिए इसके अंदर बिल्कुल बारीक-बारीक से जो है वो एप्रिकोट के पार्टिकल्स हैं बहुत ही फाइन टेक्सचर है स्किन के ऊपर बहुत ही है क्या इनका स्किन फेशियल क्या इनका स्किन पॉलिश और दोनों क्लीनजिंग करते हैं जी आपके फेस के ऊपर जो डर्ट वगैरह होता है ना क्लिनजिंग उसको रिमूव कर देता है ठीक है अगर आप रेगुलर क्लीजिंग करो आपका कलर भी काफी साफ होता है स्क्रबिंग करते हैं कि हमारी स्किन के अंदर से डेड स्किन जो है वो स्किन के ऊपर आती है सीबम के जरिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था तो अगर हम एक्सोलेशन ना करें वीक में एक दफा तो वो, या कोई भी पाउडर या कोई भी चीज जो हम रोज लगाते हैं उसको सही से क्लीनजिंग करके रिमूव नहीं करते तो स्किन के ऊपर उसकी तहसी जमी होती है वह में तो नजर नहीं आ रही होती लेकिन वो सीबम को बाहर निकलने नहीं देती और जिसकी वजह से डेड स्किन भी बाहर निकलने पाती है तो वहां पे गंदा सा दाना ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स बन जाते हैं अगर आप लोग हफ्ते में एक दफा एक्सफोलियशन कर रहे हो अपनी स्किन की स्क्रबिंग कर रहे हो और डेड स्किन को रिमूव कर रहे हो तो आपकी स्किन बहुत नीट एंड क्लीन रहती है आपकी स्किन पर ना दाने बनते हैं ना ब्लैक हेड्स बनते हैं ना व्हाइट हेड्स बनते हैं तो एक्सफोलिएशन वीक में एक दफा लाजमी करनी चाहिए ये जो है एप्रीकोड का एक्सफोलिएशन है तो इससे आपका कलर भी साफ होता है डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है और स्किन काफी ब्राइटर लगती है इसके अलावा स्किन का टेक्सचर बहुत स्मूथ हो जाता है स्क्रब में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देते और जहां पे पिगमेंटेशन हो स्पेशली उस जगह पे कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए प्रेशर लगाना नहीं चाहिए उस जगह को बहुत ही जेंटली जो है वो हैंडल करना चाहिए उससे वो जगह लाइटिन होती है अगर आप जिस जगह पे आपको पिगमेंटेशन है आप वहां पे ज्यादा रगड़ाई करोगे रगड़ने से खत्म हो जाएगा ये तो आपकी पिगमेंटेशन जो है वो मजीद डार्क हो जाती है इसको रिमूव करते हुए आपको रिजल्ट दिखाती है जी हमारी नोज कितनी साफ हो गई है कोई ब्लैक हेड व्हाइट हेड कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा इसके ऊपर और इसके अलावा मैं आपको चीक से हटा के दिखाती हूँ ये चेक करें इसका रिजल्ट और चिन से हटा के दिखाती हूँ ये चेक करें इसका रिजल्ट ये देखें कैसे स्किन जो है बिल्कुल साफ सुथरी निकल आई है फॉरहेड भी दिखाती हूँ आपको ये देखें कितना नीट एंड क्लीन हो गया हमारा फॉरवेड करने लगे हैं इसका मसाज की जो मसाज क्रीम है उसमें विटामिन ई है और उसकी पैकिंग आप देखना कितनी अच्छी मुझे प्रोडक्ट की पैकिंग भी काफी अच्छी लगती है ये देखें ये इसका टेक्सचर है और इसके अंदर हमें कोई पानी वानी नहीं मिलाना इससे आपको फेस का नेक का अच्छे से मसाज करना होता है मसाज का जो टाइम है ना वो कम से कम छह मिनट आपको मसाज करना चाहिए हमेशा जो इसके स्टेप्स हैं वो लिफ्टिंग मोशन में होने चाहिए आपको प्रेशर पॉइंट पता हो कि आपने कहा देने हैं अगर आपको नहीं पता मेरी वीडियो देखते हो प्रॉपरली तो आपको तब भी समझ में आ जाएंगे कि हमने कहाँ कहाँ प्रेशर देना है ठीक है अगर आपकी एज डे वो ट्वेंटी क्रॉस कर चुकी है तो आपको रेगुलर मसाज करना चाहिए वरना हफ्ते में दो दफा मसाज मस्ट है उससे स्किन लूज नहीं होती

पॉलिश को अच्छे से डिफाइन नहीं किया था लास्ट वीडियो में सो आई थॉट कि इसकी पॉलिश अच्छे से डिफाइन कर दूं ताकि आपको पता हो कि इतनी अच्छी पॉलिश है यार इसकी मैंने पंखा चलाया वीडियो के चक्कर में तो लिपस्टिक लगी है, हाथ पे फिर यहाँ पर सीखना है मैंने साफ किया तो यहाँ पे भी लिपस्टिक लग गई रिजल्ट दिखाती हूँ उसके पास से देखें इसके रिजल्ट चीक्स के पास से देखें यहाँ पे देखें कितने अच्छे इसके रिजल्ट है स्टेप है यह है एलो सूदिंग जेल और ये फिफ्थ स्टेप है इसका ये जेल लेकर अपने स्किन के ऊपर लगाना होता है उससे क्या होता है जो आपने फेशियल किया है आपकी स्किन का पीएच लेवल अगर डिस्टर्ब हो गया है ड्यूरिंग फेशियल तो ये जेल जो है वो उसको जो है वो लेवल कर देती है इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चर लेकर आती है और फेशियल के रिजल्ट को बूस्ट करती है बहुत ही अच्छा फेशियल है प्राइस बहुत कम है स्किन पॉलिशर बेस्ट है इसका शादी सीजन के लिए वेडिंग है भाई की जिसकी भी वेडिंग है कोई और इवेंट आ रहा है कुछ भी आ रहा है आपकी फैमिली में आप फेशियल लेना चाहते हो पॉलिश लेना चाहते हो तो पॉलर जाने की जरूरत नहीं है आप लोग खुद घर पे कर सकते हो बहुत ही अच्छा फेशियल पॉलर से भी कम पैसे में आप एक किट मंगवाओ और आप सारी बहने कजने करो तब भी एक किट खत्म नहीं होती तो प्रोडक्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहां से जाके बाय कर सकते हो और इसके अलावा समर सीजन सेल लगी हुई है फिफ्टी परसेंट ऑफ लगा हुआ है सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आप उनमें से भी कुछ बाय करना चाहते हो तो वो भी बाय कर सकते हो अब ऑलरेडी जिन्होंने फेशियल यूज किया वो अपने रिव्यू जरूर कॉमेंट में दीजिएगा मैं आपको पिन करूंगी तो ये मेरी आज की वीडियो थी आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ऐसा आती तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कॉमेंट पर जरूर बताएगा वीडियो कैसी लगी मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में रखिएगा अपना सारा ख्याल अल्लाह हाफिज